गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं और लगभग 10 से 12 घंटे में हम लोग जेई मेंस और जेई एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या। तो क्लास 10th तक में हम लोग जितने भी नंबर्स पढ़े हैं, रेशनल, इरेशनल और यू कैन से कंप्लीट रियल नंबर, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आते हैं। और कुछ ऐसे नंबर्स जो रियल नहीं होते, वो सारे नंबर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आते। इसका मतलब जितने भी नंबर्स हम सोच सकते हैं, लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं या अभी तक पढ़े हैं, वो सारे ही नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आते हैं। क्लास 10th तक हम लोग रियल नंबर काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसके कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो कुछ ऐसे नंबर्स जो रियल नहीं होते, उसके बारे में हमारा मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर में। तो दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो रियल और दूसरा जो रियल नहीं होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं नॉन रियल नंबर्स। तो नॉन रियल नंबर्स को समझने के लिए पहले हमें रियल नंबर थोड़ा अलग तरीके से समझना होगा, ताकि हमें पता चल सके कि रियल और नॉन रियल में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है। तो जितने भी रियल नंबर्स हम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 5, अगर मैं पूछूं 5 को किसी ने देखा है, तो हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए, हाँ 5 को तो मैंने देखा है और हमें 5 दिख रहा है। तो मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा पेन, क्या ये पेन है? नहीं, ये पेन नहीं है, ये बस तरीका है पेन को कैसे लिखा जाए। तो ये बस पेन लिखा हुआ है, पेन ये नहीं है, बल्कि पेन तो ये है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये 5 को बस लिखने का तरीका है, बट 5 कहाँ है? किसी भी नंबर्स को कोई नहीं देख सकता, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे नॉन रियल नंबर्स हो, कि जितने भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को देखा नहीं जा सकता। बट इन नंबर्स को अगर किसी ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाए, जैसे 5 पेन, तो अब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि 5 पेन की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन्हें देखा नहीं जा सकता, बट अगर उसे किसी ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट कर दिया जाए तो वो उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और उस ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है, नंबर्स को देखा नहीं जा सकता। तो रियल नंबर्स के बारे में क्या पता चला? रियल नंबर्स को हम लिख सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, और दूसरी बात, ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट्स के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहली बात, हम इसे लिख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, और दूसरी, प्रैक्टिकल लाइफ में ये किसी ना किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है। नॉन रियल नंबर और रियल नंबर में बेसिकली यही फर्क है, जिस तरीके से हम रियल नंबर्स को लिख पा रहे हैं उसी तरीके से हम नॉन रियल नंबर्स को भी लिख पाएंगे, बट जिस तरीके से ये प्रैक्टिकली किसी न किसी ऑब्जेक्ट्स के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, उस तरीके से नॉन रियल नंबर प्रैक्टिकल लाइफ में किसी ऑब्जेक्ट्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें 5 पेन, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बना कि 5 पेन मीन्स पेन की एक क्वांटिटी जिसको हम दूसरे क्वांटिटी के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 पेन 6-7 पेन से कुछ कम होता है, और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि 5 पेन मतलब 2-3 पेन से कुछ ज़्यादा होता है। तो 5-6-7 से कम होता है और 5-2-3 से ज़्यादा होता है, तो हम इस 5 को दूसरे रियल नंबर के साथ कंपेयर कर पा रहे हैं, लेकिन इमेजिनरी नंबर और नॉन रियल नंबर्स जो होते हैं उसे हम किसी दूसरे रियल नंबर से हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब इमेजिनरी नंबर कितना होता है वो आज तक किसी को नहीं पता चला। इवन इमेजिनरी नंबर पॉजिटिव होता है या इमेजिनरी नंबर नेगेटिव होता है, ये दोनों ही बातें गलत हैं। इमेजिनरी नंबर के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता कि एक्चुअली वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से हम लोग उस इमेजिनरी नंबर को किसी दूसरे रियल नंबर के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर
जितने भी रियल नंबर हैं वो भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं, और जितने भी नॉन रियल नंबर्स हैं, नॉन रियल नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, तो वो सब भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आते हैं। इस इमेजिनरी नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, नॉन रियल नंबर। और ये कितना होता है, किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। अब अगर ध्यान से सोचा जाए कैसे नंबर्स इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं, तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नाइन। एक नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ गया, कुछ निगेटिव आ गया। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव रियल नंबर होते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करें तब भी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर x की जगह रखने पर यह इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकता, मतलब x कोई पॉजिटिव नंबर नहीं हो सकता। अगर निगेटिव नंबर के बारे में देखें तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पर भी क्या आता है, पॉजिटिव नंबर ही आता है, इसका मतलब x कोई निगेटिव नंबर भी नहीं हो सकता, और ऑब्वियसली x जीरो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब x को नंबर लाइन पर अगर हम दिखाना चाहें तो जीरो के राइट साइड भी नहीं दिखा सकते, जीरो के लेफ्ट साइड भी नहीं दिखा सकते, इसका मतलब इस नंबर लाइन पर इस x को कहीं नहीं दिखा सकते। तो इमेजिनरी नंबर बेसिकली यही नंबर्स होते हैं जिनको हम रियल लाइन पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें पता नहीं होता ये किस नंबर से बड़ा होता है, किस नंबर से छोटा होता है। बस हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर माइनस नाइन आ रहा है, बट वो नंबर किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर लाइन पर हम उसको कहाँ दिखाएं, इसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं बनती, सिर्फ हम इसको लिखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, स्क्वायर जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रूट बनेगा और उसी समय प्लस माइनस। तो एक्स एक नंबर है प्लस माइनस रूट माइनस नाइन, बट ये नंबर कितना होता है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो इस चैप्टर में बेसिकली ऐसे नंबर्स का कैलकुलेशन ही पढ़ते हैं जब रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाए, और बेसिकली ये भी ध्यान रखना है कि रूट के अंदर जब कोई निगेटिव नंबर आ जाए तो यही इमेजिनरी नंबर होता है। अब अगर हम ये सोचें कि इस नंबर के बारे में हमें पता ही नहीं है ये कितना होता है, किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर हम इस चैप्टर को पढ़ते ही क्यों हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, इस चैप्टर में बेसिकली जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या थ्योरेटिकल पार्ट्स भी जब हम पढ़ेंगे, तो उसे दो फॉर्म में पढ़ेंगे, एक अल्जेब्रिक कैलकुलेशन मेथड और दूसरा ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन मेथड, या फिर ज्योमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन मेथड भी हम कह सकते हैं, मतलब चीज़ों को हम ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारा अल्जेब्रिक कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा और ज्योमेट्रिक ऑब्जर्वेशन भी स्ट्रांग होगा। तो ये बहुत ही 11th क्लास का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद हमारी अल्जेब्रिक और ज्योमेट्रिक दोनों ही अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। जब कभी रूट के अंदर माइनस वन लिखा हो तो उसे एक अलग से नाम दिया गया, आयोटा और इमेजिनरी यूनिट। अब हम ये समझेंगे कि ये अलग से नाम क्यों दिया गया, इस एक अलग से इस नंबर्स का इतना इंपॉर्टेंस क्या क्यों है, और इसे अलग से क्यों डिफाइन किया गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर में हम उन नंबर्स का कैलकुलेशन पढ़ेंगे जब रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल रूट माइनस नाइन, तो यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी भी निगेटिव नंबर से अगर माइनस वन अलग कर लिया जाए, माइनस नाइन से हमने माइनस वन अलग कर लिया, तो नाइन एक पॉजिटिव नंबर बन गया जिसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो इसको अगर अलग अलग किया जाए तो रूट माइनस वन रूट नाइन,
अब रूट नाइन का कैलकुलेशन हम अलग से कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें से माइनस वन बाहर कर दिया है, और अब हम इसको लिख सकते हैं रूट नाइन थ्री और रूट माइनस वन को हमने क्या डिफाइन किया है आई, तो थ्री इंटू आई। तो जब भी रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आता है तो हम उसमें से माइनस वन अलग करते हैं, और बार बार माइनस वन रूट के अंदर माइनस वन ये टर्म्स बार बार लिखना पड़ता है इस चैप्टर में, तो इसीलिए इसकी जगह पर हम लोग आई डिफाइन करते हैं और बार बार हम लोग सिर्फ आई लिखते हैं। रूट माइनस सिक्सटीन, इसमें से अगर हमने माइनस बाहर कर लिया, माइनस वन बाहर कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा आई बाहर आ जाएगा और ये माइनस हट जाएगा और रूट सिक्सटीन तो ये क्या आ जाएगा फोर आई। तो क्या ध्यान में रखना है कि जब कभी रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाए तो अगर उस माइनस साइन को हटाना है तो बदले में हमें क्या करना होता है आई से मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल रूट माइनस नाइन, तो हमने सिर्फ नाइन का कैलकुलेशन किया रूट नाइन थ्री, और चूंकि हमने माइनस हटाया तो हम यहां क्या लिख सकते हैं आई, तो थ्री आई। अब जैसा कि हमने लिखा रूट माइनस ए इज इक्वल टू, मैंने माइनस हटाया तो बदले में बाहर क्या आ गया आई, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो जैसा कि मैंने बताया रूट माइनस नाइन हमने माइनस को हटाया तो बदले में आई आ गया था, यहां रूट माइनस सिक्सटीन माइनस को हटाया तो बदले में आई आ गया था। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें कि यहां भी माइनस हमने हटाया और यहां पर आई आ गया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सारे ही रियल नंबर्स के लिए, मतलब ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और हम ऐसा जब भी करेंगे माइनस हटाए तो बदले में क्या आ गया आई, तो हमारा सवाल क्या है इज इट ट्रू और फॉल्स। तो हमेशा ध्यान रखना आईआईटी जेई क्वालिफाई करने के लिए बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे ट्रिकी पार्ट्स होते हैं, है ना, छोटी छोटी बातें होती है जो ध्यान में रखना होता है। जैसे यहां पर हमने बताया कि किसी निगेटिव नंबर को जब हम पॉजिटिव करके लिखते हैं उस समय बाहर क्या आ जाता है आई, लेकिन यहां पर माइनस ए लिखा हुआ है, तो माइनस ए पॉजिटिव नंबर है या फिर निगेटिव नंबर है, तो इसके बारे में हम कुछ भी सर्टेनली नहीं कह सकते। जब जब ए पॉजिटिव होगा माइनस ए निगेटिव होगा, लेकिन जब जब ए निगेटिव होगा तो माइनस ए पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या पॉजिटिव नंबर के साथ भी हम ऐसा कर सकते हैं? अगर हम पॉजिटिव नंबर के साथ भी ऐसा कर सकते हैं कि वहां से माइनस वन अलग करें और बाहर आई लगा दें, फिर तो ये ट्रू होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में क्या है ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि ए पॉजिटिव भी हो सकता है और ए निगेटिव भी हो सकता है। तो जब जब ए पॉजिटिव होगा तब तब तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे माइनस नाइन, यहां नाइन क्या है पॉजिटिव है, तो हम जब माइनस हटाए तो बदले में क्या आ गया आई, लेकिन जब जब ए निगेटिव होगा तो ये टर्म्स क्या आ गया, तो ए अगर निगेटिव तो ये टर्म्स हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर से माइनस वन अगर हम अलग करते हैं और बदले में आई लगाते हैं तो ये रिजल्ट गलत आता है, ये सही नहीं आता। इसलिए हमारा स्टेटमेंट सिर्फ तब ट्रू है जब ए पॉजिटिव है और माइनस ए निगेटिव है, अगर ए निगेटिव है तो ये फॉल्स हो गया, जबकि ये स्टेटमेंट क्या है
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए के सारे ही पॉसिबल वैल्यूज के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तभी ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर एक केस भी हमें मिल गया जहां पर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ओके, यहां पर रूट माइनस टू इंटू रूट माइनस थ्री, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो माइनस टू इंटू माइनस थ्री इज इक्वल टू रूट, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव तो ये क्या बन गया? रूट सिक्स। तो रूट माइनस टू रूट माइनस थ्री अगर हमने दोनों को कंबाइंड कर दिया तो यहां पर आ गया रूट सिक्स, जो कि एक गलत रिजल्ट है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी रूट्स को हम कंबाइंड करते हैं और दोनों ही नंबर्स निगेटिव हो, जैसे यहां पर माइनस टू भी एक निगेटिव नंबर है और माइनस थ्री भी एक निगेटिव नंबर है, तो जब कभी भी हम कंबाइंड करते हैं तो अगर इसका कैलकुलेशन हम आई को यूज करते हुए करेंगे तो हमेशा सही रिजल्ट आता है, और बिना कुछ देखे अगर हम कंबाइंड कर देते हैं तो उस केस में जब दोनों नंबर्स निगेटिव हो तो हमारा रिजल्ट गलत आ जाता है। रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू माइनस रूट ए बी, कब? इफ ए एंड बी बोथ निगेटिव, अगर ए और बी दोनों निगेटिव हो तो उस केस में ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, और अगर इन दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो उस केस में अगर हम डायरेक्टली कंबाइंड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट सही आता है, बट अगर दोनों ही नेगेटिव हो उस केस में हम कंबाइंड करते हैं तो हमें एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाना पड़ता है। अगर इसका कैलकुलेशन हम आई को यूज करते हुए करें या माइनस वन को अलग करके करें तो इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे रूट माइनस टू को हम लिख सकते हैं रूट माइनस वन इंटू टू इंटू, रूट माइनस थ्री को लिख सकते हैं रूट माइनस वन इंटू थ्री। इस केस में माइनस वन और माइनस वन अलग करें तो ये क्या आ गया? रूट माइनस वन एक रूट माइनस टू का और रूट माइनस वन और रूट टू इंटू रूट थ्री। रूट माइनस वन इंटू रूट माइनस वन, तो रूट माइनस वन का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो माइनस वन इंटू, अब इन दोनों को कंबाइंड कर सकते हैं तो रूट सिक्स। ठीक, तो यहां हमने क्या देखा? जब दोनों ही निगेटिव हो तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो इसी रिजल्ट को याद रखना है कि जब ए बी दोनों निगेटिव हो उस केस में जब दोनों को कंबाइंड करते हैं तो एक एक्स्ट्रा माइनस साइन बाहर आ जाता है, और वो एक्स्ट्रा माइनस साइन अगर हम नहीं लिखते हैं तो जो भी रिजल्ट आया वो हमारा गलत रिजल्ट आ जाता है। आयोटा, आयोटा मीन्स रूट माइनस वन, अगर इसके कैलकुलेशन की बात करें तो i इज इक्वल टू क्या था? रूट माइनस वन। अगर एक और i से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ गया? i स्क्वायर रूट माइनस वन का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया? माइनस वन। यहां ये भी ध्यान रखना है कि रियल नंबर के केस में किसी नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता था, बट इमेजिनरी नंबर के केस में किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव भी आ सकता है। तो i स्क्वायर क्या आ गया? माइनस वन।
अगर एक और आई से मल्टीप्लाई करें तो आई क्यू माइनस वन इंटू आई माइनस आई, एक और आई से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो एल एच एस आई का पावर एक इंक्रीज हो गया, आई टू द पावर फोर इज इक्वल टू माइनस आई इंटू आई, तो क्या बन गया माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर क्या था माइनस वन, तो माइनस माइनस वन इज इक्वल टू वन। और आई से मल्टीप्लाई करें आई टू द पावर फाइव, तो फिर से क्या आ गया आई जहां से हम स्टार्ट किए थे, और आई टू द पावर सिक्स फिर से एक आई से मल्टीप्लाई करें तो माइनस वन। तो अब हम क्या देख रहे हैं फोर टर्म्स के बाद ये सारे टर्म्स आपस में रिपीट कर रहे हैं, आई आई स्क्वायर माइनस वन, आई क्यू माइनस आई, आई टू द पावर फोर, इसके बाद से फिर आई टू द पावर फाइव वही आ गया जो आई टू द पावर वन था, और आई टू द पावर सिक्स वही आ गया जो आई का पावर टू था। तो यहां हम इजीली देख सकते हैं हर फोर टर्म्स के बाद ये अपना वैल्यूज रिपीट कर रहा है, तो आई टू द पावर सेवन वही होगा जो आई टू द पावर थ्री है, आई टू द पावर एट वही होगा जो आई टू द पावर फोर है। तो यहां यह समझ में आया कि हर चार चार के बाद रिपीट कर रहा है, तो i टू द पावर 67 फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे ये पूछा गया तो हर i टू द पावर 4 के बाद वैल्यूज क्या बन रहा है 1, तो इसका मतलब i टू द पावर 4, i टू द पावर 8, i टू द पावर 12 ये सब क्या बन जाएगा 1, और उसके बाद फिर यहीं से वैल्यूज रिपीट करना शुरू होगा, तो इसका मतलब 4 के मल्टीपल वाले टर्म से हमारा वैल्यू अफेक्टेड नहीं होता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ गया सिर्फ वहीं से वैल्यूज कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जैसे हमसे पूछा गया आई टू द पावर 67, तो सिर्फ 67 में 4 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर क्या आ गया 3, तो आई टू द पावर 67 तो आई टू द पावर 3, और i टू द पावर 3 तो ये वैल्यूज हमें ध्यान भी हम रख सकते हैं, i इज इक्वल टू रूट माइनस वन, आई स्क्वायर माइनस वन, आई क्यू माइनस आई, तो क्या आ गया माइनस आई। ठीक है, तो जब कभी भी i के कैलकुलेशन में हायर पावर का यूज हो तो उसे अगर छोटा करना हो तो सिंपली 4 से डिवाइड करना है, और जितना रिमाइंडर है सिर्फ उसे हम यूज करते हैं, उस बड़े नंबर को सिर्फ रिमाइंडर से हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें ध्यान रखना है, i, आई स्क्वायर, आई क्यू और i टू द पावर 4 अगर इन चारों को हम ऐड कर दें तो 1 माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और i माइनस आई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये समझ में आया कि i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू प्लस आई टू द पावर 4 ये क्या आ गया 0। अगर इन चारों को ऐड करें तो 1 माइनस 1 कैंसिल, और माइनस आई आई के साथ कैंसिल, तो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू प्लस आई टू द पावर 4 इक्वल टू 0। अब यहां से एक और कंक्लूजन निकलता है, अगर i टू द पावर 1 से हम स्टार्ट ना करें, सपोज हमने किसी और नंबर से स्टार्ट किया i टू द पावर 67 प्लस i टू द पावर 68 प्लस i टू द पावर 69 प्लस i टू द पावर 70, ये लगातार चार टर्म्स हैं, बट ये i टू द पावर 1 से स्टार्ट नहीं है, i टू द पावर 67 से स्टार्ट है। तो इसमें अगर i टू द पावर 67 कॉमन ले लिया जाए और i टू द पावर 66 कॉमन ले लिया जाए तो फिर से क्या आ गया यहां i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू प्लस आई टू द पावर 4। तो लगातार
कहीं से भी स्टार्ट किया जाए, आई टू दी पावर 67 से स्टार्ट किया जाए या आई टू दी पावर 100 से स्टार्ट किया जाए, किसी भी नंबर से स्टार्ट किया जाए, तो लगातार चार टर्म्स अगर पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो वन बाय वन, तो उस केस में उन चारों टर्म्स का सम जीरो होता है। Z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अगर हम बुकिश लैंग्वेज में बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड आई इज इक्वल टू रूट माइनस वन। किसी भी नंबर जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसके साथ आई नहीं लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिसके साथ आई लिखा हुआ है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज बी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम देखें इमेजिनरी पार्ट्स को, तो इमेजिनरी पार्ट्स आई बी कंप्लीटली आई के साथ हम नहीं लिखते हैं, आई हटाने के बाद लिखते हैं, और यह पूरा नंबर इमेजिनरी नंबर है बी की वजह से नहीं बल्कि आई की वजह से। और जब हम इमेजिनरी पार्ट की बात करते हैं तो आई हटाने के बाद जो नंबर्स बचते हैं उसे हम बी लिखते हैं, उसे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो यहां से यह समझ में आया कि ए बी क्या है, रियल नंबर, इसका मतलब जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो भी क्या होता है, एक रियल नंबर। तो ये इमेजिनरी पार्ट्स क्या होता है, रियल नंबर। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स में कि इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट एन। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर। तो कई बार ये ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेजिनरी नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब अगर यहां देखा जाए आई बी, ये पूरा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर, और अगर इस पूरे के बारे में पूछा जाए ए प्लस आई बी, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है या नहीं, तो आई बी इमेजिनरी नंबर है, इसका मतलब ये कितना है उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसका वैल्यू कितना होगा, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो आई बी के बारे में अगर हमें कोई आइडिया नहीं है और अगर आई बी इमेजिनरी नंबर है तो उसमें अगर कोई दूसरा क्वांटिटी ऐड कर दिया जाए तो इसी के बारे में हमें नहीं पता ये कितना होता है, तो प्लस ए करने के बाद भी वो कितना होगा उसके बारे में हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। इसका मतलब अगर आई बी इमेजिनरी है तो ए प्लस आई बी भी क्या है, इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर के बारे में हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते कि वो किससे बड़ा होता है किससे छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सामने लिखा हुआ है 3i एंड 4i, अगर हमने लिख दिया 3i ग्रेटर देन 4i और 3i ग्रेटर देन 4i और 3i लेस देन 4i, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ना ही हम ये लिख सकते हैं कि 3i लेस देन 4i और ना ही हम ये लिख सकते हैं कि 3i ग्रेटर देन 4i। क्लास टेंथ तक में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो नंबर हो, सपोज 4 ग्रेटर देन 3, इट्स ट्रू। अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं k इंटू 4 k इंटू 3
तो अब के इंटू फोर ज्यादा बड़ा होगा या के इंटू थ्री ज्यादा बड़ा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि के पॉजिटिव नंबर है या के निगेटिव नंबर है। तो अगर k ग्रेटर देन जीरो, उस केस में जो साइन था फोर और थ्री के बीच में सेम साइन, इफ k लेस देन जीरो तो ये साइन रिवर्स हो जाता है। तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, इस बात पर हमें इनइक्वालिटीज के बारे में पता चलता है, अदरवाइज हम इनइक्वालिटीज के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सिमिलरली यहां भी हमें पता है थ्री और फोर के बीच में रिलेशन हमें पता है, थ्री लेस देन फोर हमें पता है। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्री इंटू आई एंड फोर इंटू आई। अब यहां के बारे में अगर सोचा जाए कौन सा साइन आएगा, सेम साइन आएगा और रिवर्स होगा, तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आई पॉजिटिव है या फिर आई निगेटिव है। बट जैसा हम पहले ही समझ चुके हैं कि आई इज एन इमेजनरी नंबर, रूट माइनस वन को ही हम आई बोलते हैं, तो आई इज एन इमेजनरी नंबर, और इमेजनरी नंबर के बारे में हमें नहीं पता होता कि ये पॉजिटिव है और निगेटिव है, इसीलिए हम थ्री आई में सेम साइन लिखें या रिवर्स साइन लिखें इसके बारे में हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है और थ्री आई ग्रेटर देन फोर आई ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। बेसिकली टू डिफरेंट इमेजनरी नंबर को हम कंपेयर नहीं कर पाते अगर उसका इमेजनरी पार्ट्स ही अलग अलग हो। अब जैसा हम अभी समझ चुके हैं कि अगर इमेजनरी नंबर का इमेजनरी पार्ट अलग अलग हो तो हम उसको कंपेयर नहीं कर पाए थे कि 3i बड़ा है या 4। बट अगर LHS में भी 3i लिखा हो और RHS में भी 3i लिखा हो तो हमें नहीं पता कि LHS में जो लिखा हुआ है वो कितना है, वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमें नहीं पता RHS में जो लिखा है वो कितना है और किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, बट हमें ये पता है कि LHS में जो भी है वही RHS में है, तो हम लिख सकते हैं 3i इज इक्वल टू 3i। अब अगर LHS में हम 5 ऐड कर दें तो 5 प्लस 3i, और RHS में हमने 4 ऐड कर दिया तो 3i कितना है हमें नहीं पता, बट LHS जो भी है वो 3i से 5 ज्यादा है जबकि RHS 3i से सिर्फ 4 ज्यादा है। तो हम सर्टेनली कह सकते हैं कि 3i से LHS 5 ज्यादा है जबकि 3i से RHS सिर्फ 4 ज्यादा है। इसका मतलब LHS बड़ा है और RHS छोटा है। तो यहां पर हमने देखा ये दो डिफरेंट इमेजिनरी नंबर हैं और इनको हम कंपेयर भी कर पा रहे हैं। तो ऐसा हम सिर्फ उस केस में कर सकते हैं जिस केस में LHS और RHS दोनों का जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो सेम है, सिर्फ उस केस में हम कंपेयर कर सकते हैं। बाकी केसेस में जिसमें 3i, अगर LHS में 3i है और RHS में 3i की जगह कुछ और होता तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इमेजिनरी नंबर कितना होता है वो हमें नहीं पता, और अगर दो डिफरेंट इमेजिनरी नंबर है तो उनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा वो भी हमें नहीं पता होता। इसीलिए दो डिफरेंट इमेजिनरी नंबर के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता, इसलिए उनके बीच में कितना डिफरेंस है वो डिफरेंस पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, कौन बड़ा है कौन छोटा है हमें कुछ नहीं पता होता। इसलिए अगर उनका इमेजिनरी पार्ट डिफरेंट हो तो हम किसी दो डिफरेंट इमेजिनरी नंबर को कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इमेजिनरी पार्ट सेम हो तो उस केस में हम कंपेयर कर सकते हैं। और जो बीच का साइन होता है, जो इनइक्वालिटीज होते हैं उन दोनों डिफरेंट इमेजिनरी नंबर्स के बीच में, वो बेसिकली उनके रियल पार्ट्स के बीच का होता है, और वो भी सिर्फ उस केस में जब उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। तो ऊपर इस केसेस में देखें या सेकेंड केस या थर्ड केस, तीनों ही केस में हमने दो इमेजिनरी नंबर्स को कंपेयर किया, LHS ग्रेटर देन RHS, LHS इक्वल टू RHS, LHS लेस देन RHS। तो इन सभी केसेस में
हमने कंपेयर किया है, इसका मतलब है हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स सेम हो और जो बीच का रिलेशन है वो बेसिकली उनके रियल पार्ट्स के बीच का है। इसका मतलब फर्स्ट केस में भी यहां से कंक्लूजन निकालना है, दैट मींस b इज इक्वल टू d, और सेकेंड केस में भी फर्स्ट कंक्लूजन निकलता है b इज इक्वल टू d, और थर्ड केस में भी कंक्लूजन निकलता है b इज इक्वल टू d। क्योंकि अगर इमेजिनरी पार्ट सेम नहीं है तो हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, और चूंकि यह कंपेयर यहां किया हुआ है इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट सेम है। और सेकेंड कंक्लूजन क्या निकालना है कि जो बीच में इक्वालिटी साइन दिया हुआ है वो बेसिकली किनके बीच में होता है, उनके रियल नंबर्स के बीच में है, तो सेम साइन लिखना है, बट ये रिलेशन किनके बीच का है, उनके रियल पार्ट्स के बीच का है। है ना, तो ये रिलेशन किनके बीच का है, उनके रियल पार्ट्स के बीच का है, बेसिकली a लेस देन c और bi इज इक्वल टू di, दैट इंप्लाइज b इज इक्वल टू d। तो हमेशा ध्यान रखना है इन इक्वालिटीज में अगर कहीं इस तरह का स्टेटमेंट लिखा है तो अपनी तरफ से कंक्लूजन निकालना है कि उनके इमेजिनरी पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, और जो रिलेशन दिया हुआ है, जो इन इक्वालिटीज दिया हुआ है, वो बेसिकली उनके रियल पार्ट्स के बीच का है। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में देखें तो उसमें एक रियल पार्ट्स होता और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, तो इसमें एक रियल पार्ट भी होता है और एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है, और दोनों की मिक्सिंग के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली लिखा जाता है। तो जिस चीज में किसी दूसरे चीज की मिक्सिंग ना हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्योर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट की मिक्सिंग ना हो, सिर्फ रियल रियल हो, उसमें इमेजिनरी की मिक्सिंग ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। मीन्स अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो तो उसे क्या बोलेंगे, प्योरली रियल, और अगर रियल पार्ट जीरो तो उसी को बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी। मीन्स इफ रियल पार्ट ऑफ जेड विच इज ए इज जीरो, दैट इंप्लाइज जेड इज प्योरली इमेजिनरी, एंड इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड विच इज b is 0, that implies z is purely real। तो जितने भी नंबर्स हैं, हमने कहा जितने भी नंबर्स हम जानते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आते हैं, तो जितने भी नंबर हम जानते हैं उन सबको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 4, इसको भी हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0i। अगर हमसे कहा गया 4i तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 4i। इवन हमसे कहा गया 0 तो इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0i। तो 4 को 4 प्लस 0i, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। इसका मतलब ये क्या है, प्योरली रियल। और 4i रियल पार्ट 0, इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी। और अगर 0 को देखा जाए तो इसका रियल पार्ट भी 0 है, इसका मतलब ये प्योरली इमेजिनरी, और चूंकि इसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है इसका मतलब ये प्योरली रियल। इसका मतलब 0 इज प्योरली इमेजिनरी एज वेल एज प्योरली रियल। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर 0 के बारे में कहा जाए तो 0 प्लस 0i,
तो चूंकि रियल पार्ट ऑफ जीरो इज जीरो एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जीरो इज ऑल्सो जीरो, दैट इंप्लाइज जीरो इज प्योरली इमेजिनरी एंड जीरो इज प्योरली रियल ऑल्सो. तो जीरो इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर. बट जीरो के बारे में अगर देखें तो जीरो को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं. और हमने बताया था अगर किसी नंबर को नंबर लाइन पर हम दिखा सकते हैं इसका मतलब वह एक रियल नंबर है. इसका मतलब हमें पता होता है कि वो किस नंबर से छोटा है, किस नंबर से बड़ा है. इसका मतलब हम उसको दूसरे रियल नंबर के साथ कंपेयर कर सकते हैं. तो ऐसे नंबर्स जिसको हम दूसरे नंबर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, वो एक रियल नंबर होता है, वो एक इमेजिनरी नंबर नहीं होता. तो ध्यान रखना है, जीरो इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर. बट जीरो इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर. तो जीरो इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर क्योंकि इसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं. इट्स नॉट एन इमेजिनरी नंबर बट इट्स अ रियल नंबर. बट By definition, हमने बताया अगर real part zero तो ऐसे numbers को हम purely imaginary बोलते हैं, और अगर imaginary part zero तो ऐसे number को हम purely real number बोलते हैं. तो जो हमने definition समझा था अभी, उस definition के हिसाब से हम इसको purely imaginary बोल सकते हैं या हम purely imaginary बोलते हैं. हम जानते हैं कि zero is a purely imaginary number, but इसे हम इमेजिनरी नंबर नहीं बोल सकते हैं. तो हमेशा ध्यान रखना, जीरो इज नॉट एन इमेजिनरी नंबर बट जीरो इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर. क्योंकि जो भी डेफिनेशन होता है, बाकी के सारे स्टेटमेंट्स और बाकी की सारी चीजें हम उस डेफिनेशन के हिसाब से सेट करते हैं. डेफिनेशन गलत नहीं होता, बल्कि बाकी की चीजें हम डेफिनेशन के हिसाब से सेट करते हैं. और बाय डेफिनेशन जीरो इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, बट जीरो इज नॉट अ इमेजिनरी नंबर.